बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके. नाइस, अमेजिंग. सुबह सुबह हम पहाड़ों की कच्ची पक्की सड़कों पर निकल पड़े. निकल चुके हैं बिनसर के लिए एंड इट इज मॉर्निंग 7:30 एंड वी आर ड्राइविंग ऑलमोस्ट थ्रू द फॉग. आई विल शो यू द वे. और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुबह बहुत सुंदर है. और बिनसर इज अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम प्रसार देवी, तो हमें पहुंचने में घंटा लगेगा. तो चलते हैं एंड टिल देन एंजॉय द वे, एंजॉय द रूट. सो लेट मी शो यू. ये है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका दिस इज़ द एंट्रेंस टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और यहाँ से जाने के लिए यू हैव टू टेक अ टिकट. अब कितने की टिकट आती है ये मैं बताती हूँ, आई डोंट नो राइट नाउ. तो आई डोंट नो इफ इट इज़ ओपन और नॉट, तो देखते हैं. एंड इट टुक अस 45 मिनट्स फ्रॉम कसार देवी एंड इट्स वेरी क्लोज बाय. चलते हैं, देखती हूँ इफ इट इज़ ओपन, इफ समबडी इज देयर. आई कांट सी एनीवन राइट नाउ. सो फाइनली आई फाउंड समवन. हाँ जी भैया, कितने का है टिकट? पर पर्सन 150 रुपया है, 250 रुपया का है. सो इट इज 150 रुपीज पर पर्सन एंड 250 फॉर द व्हीकल. सो यहाँ से टिकट लेके जाना है और ऐसा टाइमिंग वापसी का ऐसा कुछ नहीं है? दस सुबह 6 बजे से सनसाइड और सनसाइड होता है ना, गेट खुलने का समय. हाँ. तो अभी यहाँ पर आने का समय थोड़ा ऊपर जाने का समय, नीचे आने का घूमने का नहीं होता, इसलिए हम 4 बजे 4 o'clock और 6 to 4. अदरवाइज अगर जैसे गर्मी के दिन हो फिर 5 बजे 6 बजे. अच्छा. सो द टाइमिंग्स आर फ्रॉम मॉर्निंग 6 a.m. टू 5 p.m. और 6 p.m. डिपेंडिंग अपॉन द सीजन. Till in summers it is open till late, till 6 o'clock, and in winters it closes down by 4. तो लेते हैं टिकट और चलते हैं अंदर. और यहाँ आपको अपना आधार कार्ड भी दिखाना पड़ता है टू एंटर. सो आधार कार्ड अपने साथ रखिएगा. सो दिस इज़ द KMVM रिजॉर्ट और यहाँ पे हम रुकेंगे थोड़ी देर और ब्रेकफास्ट करेंगे. और यहाँ से एक ट्रैक भी जाता है टू 0 point एंड इट इज़ अ 2 kilometers ट्रैक और फॉर द व्यू, फॉर द बेस्ट व्यू ऑफ द हिमालयाज. बट राइट नाउ इट इज़ वेरी फॉगी, आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू सी हिमालयाज. वी विल हैव ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट वी विल सी इफ द फॉग क्लियर्स, देन वी विल गो फॉर द ट्रैक. अदरवाइज यहाँ से भी अपेरेंटली द व्यू इज़ वेरी नाइस. This is the picture of the view you get from here on a clear day. Hope to see some of the peaks today. So having breakfast at KMVM Resort, though this resort is a little closed for the maintenance and the painting work is going on, but still they were sweet enough to give us breakfast. So we are having omelette here and it looks nice and we are very hungry. So you guys also enjoy your breakfast and we will also enjoy ours. I really like this notice
So they have put up this near their buffet table. See this. So I think every hotel should have this policy. So this is the view from here right now. It is entirely filled with fog and clouds. Otherwise, you can see the entire Himalayan range from here. You can see Trishul Peak, you can see Nanda Devi, Panchachuli, everything you can see. But right now it is only fog and clouds. I hope they lift. We are here. We are going to be here for some time and wait till it lifts. Let's hope so. Let's hope for the best. So now we are trekking down to Zero Point, and though it is famous for the view, but I don't think view dikhega here. But we are just trekking, and it's a nice trek. Let me show you through the woods. Binsar has a museum about the flora and fauna of the region. The sanctuary hosts 25 types of trees, 24 types of bushes and 7 varieties of grasses. The higher altitudes are covered with oak and rhododendron trees, and in March and April, flowers, especially ruby red rhododendron, are in full bloom. बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ ट्रीज़ यहाँ के इतने अलग हैं, मतलब आई हैव नेवर सीन सच ट्रीज़ इन माई लाइफ बिफोर. मतलब द एंटायर ट्रंक इज कवर्ड विद ऑल द टाइप ऑफ फर्न्स, और पूरा ही ट्री नीचे से ही ग्रीन है. तो इट्स रियली अमेजिंग एंड वेरी यूनिक टू दिस प्लेस. लेट मी शो इट टू यू. So finally we have reached Zero Point. So this is nothing but just this watchtower. And but yes, trek was nice. Ab yahan jaake dekhte hain view kitna hai. At the watchtower of Zero Point, and from here the clouds and the fog is a bit clearing, and I can see few peaks from here. So I'm crossing my fingers if I can see the entire range, but let me show you what I can see right now. कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. वैली पूरी तरह बादलों से ढक गई है. बस मैंने सोचा बैठ के थोड़ा मौसम का आनंद उठा लें, और बादलों के बीच यूं ही थोड़ी देर बैठ के मैं वापस चल पड़ी. सो ऑन द वे बैक फ्रॉम Zero Point, so we are stopping at a nice little cafe called Simba Cafe, and thoda bhook bhi lag rahi hai after the trek, and the weather is also nice, so maybe some pakoras or maggi or a cup of tea should be fine. Finally having maggi at Simba Cafe in Binsar. Oh,
इस कैफे के सामने ही एक बिनेश्वर महादेव का मंदिर भी है। घने जंगलों के बीच स्थित ये एक बहुत ही प्यारा सा प्राचीन शिवजी का मंदिर है और साथ में बहते पानी की आवाज सब कुछ मन को भा सा गया। इस मंदिर के दर्शन कर हम अपने अगले पड़ाव के लिए निकल गए। Uttarakhand is home to several Hindu temples and holy sites. That's why it is also called Devbhumi or Land of the Gods. Uttarakhand mountains are also home to various gods and goddesses. We have come to a very unique temple. Just half an hour's drive from Kasar Devi, and this is called Chittai Golu Temple and dedicated to Golu Devta, which is supposed to be incarnation of Lord Shiva. And yahan pe matlab main dekh rahi hu ki jagah jagah pe chithiyan tangi hui hain and bells latki hui hain. You can see so many bells around. See all the bells. See so many bells. See. एंड यहाँ पे कहते हैं कि आपको जो भी विश मांगनी है या आपको जो भी मन्नत करनी है, यू राइट ए लेटर टू गोलू देवता एंड टाई इट हियर, एंड जब वो पूरी हो जाती है तो पीपल कम एंड टाई अ बेल। सो यहाँ पे एंड ऑल्सो दिस गोलू देवता इज सपोज टू बी लॉर्ड ऑफ जस्टिस, एंड जिनके भी कुछ लॉ के रिलेटेड में प्रॉब्लम्स होती हैं और केसेज आर गोइंग ऑन, दे ऑल्सो कम हियर and it is said that wo resolve ho jate hain. And also I can see along with the letters there are a lot of stamp papers also people have tied. So aur mujhe maloom nahi tha, aur iski bahut zyada mahanta hai, matlab so many people from all across the country come here and it is said that unki wish puri ho jati hai. So nice, amazing. And I will show you how many bells and how many letters are there. It is unbelievable. And of course, ab main bhi likhungi and I'll tie it here. Chalo dikhati hu, let me show you. और यहाँ जो भी चिट्ठियाँ लगी हुई हैं, अगर वो by chance फट के गिर जाती हैं तो यहाँ के लोग उसे संभाल के एक स्टोर रूम में रख देते हैं जहाँ की ऑलरेडी 1,00,000 से भी ऊपर चिट्ठियाँ पड़ी हैं। कोई भी चिट्ठी यहाँ से फेंक की नहीं जाती है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। Chittai Golu Temple, we are going to the main temple of this place, which is Kasar Devi Temple. और वहाँ भी हमें यहाँ से शायद हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगेंगे। और कसार देवी इज़ द मेन टेम्पल ऑफ कसार, जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। तो वी आर गोइंग देयर और दिखाती हूँ वहाँ चल के, एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट कसार देवी व्हेन वी रीच। या finally we have reached Kasar Devi temple and this is the main entrance to the temple. इस main entrance से ऊपर Kasar Devi temple तक आपको 100 steps चलने पड़ते हैं, और ऊपर जाके दो टेम्पल्स हैं, एक कसार देवी का टेम्पल है और उसके ऊपर एक शिवजी भगवान और भैरव जी का मंदिर है, जिसके लिए आपको 50 स्टेप्स और चढ़ने पड़ते हैं। तो टोटल क्लाइंब इज ऑफ अराउंड 150 स्टेप्स। सो देयर आर टू
ways to the temple. One is this gradual hike, and then these are the steps going to the temple. So I think I'll take the steps. Exhausting. ये सारे समझ नहीं आता, ये सारे देवी देवता इतनी ऊपर पहाड़ पे जाके बैठते हैं, है ना? चलो चलते हैं। आखिरकार मंदिर पहुंच ही गए और मंदिर को देखते ही सारी थकान दूर हो गई। ऊपर आके इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता चला कि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों ने आके तपस्या की है, जिनमें से एक स्वामी विवेकानंद भी हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इस पर्वत की एक गुफा में सितंबर 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने कठोर आध्यात्मिक साधना की थी, और कहते हैं कि 1970s में लेजेंडरी सिंगर एंड सॉन्ग राइटर बॉब डिलन भी यहाँ आए थे, और 1990s में हॉलीवुड एक्ट्रेस उमा थर्मन भी यहाँ आई थी टू स्टडी बुद्धिज्म एंड मेडिटेशन। द मेन श्राइन ऑफ देवी इज सिचुएटेड इनसाइड अ केव लाइक फॉर्मेशन बाय द ह्यूज रॉक्स। This place is also famous for its quiet and secluded atmosphere and spellbinding view of the Almora Valley. So this is Kasar Devi Temple, and this temple is of great importance as this temple comes under Van Allen Belt, and there are only three places in the world. One is Machu Picchu in Peru, and another is Stonehenge in England. Only three places in the entire world come under this Van Allen Belt. The region surrounding the Kasar Devi Temple has an enormous geomagnetic field or paramagnetism thanks to gaps in bands of radiation. As a result, Kasar Devi is endowed with great cosmic energy. दर्शन करके देन देर इज अ शिवा टेम्पल अगेन फ्यू स्टेप्स ऑन द टॉप, तो वहां भी जाना है। जाते ही सबसे पहले एक छोटा भैरव बाबा का मंदिर आता है और फिर मेन शिवा टेम्पल आता है। यू कैन सी द एंटायर अल्मोरा टाउन फ्रॉम हियर। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्पॉट फॉर सनसेट। It is very cloudy. I don't think we will see any sunset today. So we'll just sit here for some time and then we go back to the hotel, to our homestay. कुछ देर वहां बैठ के मेडिटेट किया और फिर नजारों का आनंद उठा, अपने होमस्टे वापस चल पड़ी।